दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके OnePlus Nord C2 में किस तरीके से आप ऑक्सीजन OS 13 का ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में जाने के बाद जाना है अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बेटा प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ये रहेगा ट्राई ऑफिशियल वर्जन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन OS 13 कुछ दिखाएगा आपको, तो यहाँ आपको नीचे आई हैव रीड एंड एग्री कर लेना है, अप्लाई फॉर ट्रायल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद चेक फॉर अपडेट्स यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा 1-2 सेकेंड का, और इसके बाद यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट दिखाएगा। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगा ऑक्सीजन OS अपडेट अवेलेबल ऑफिशियल वर्जन ऑक्सीजन OS 13.0 एंड्रॉयड 13 IV2201 11F.46। तो F.46 का आपको यहाँ पर एक अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, 5.18 GB का ये अपडेट है। तो इस अपडेट को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। और इस अपडेट को आपको डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको कोई इश्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपका कोई डेटा वगैरह क्लियर नहीं होगा। तो आप यहाँ से इस तरीके से आपके OnePlus Nord C2 में अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और डाउनलोड इंस्टॉल कर लेने के बाद में भी मैं जल्दी एक रिव्यू भी लेके आऊँगा। बहुत सारे OnePlus Nord C2 के यूज़र मुझे कह रहे थे, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बना दी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय।